नमस्कार किसान भाई साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दलोदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विष्णु पाटीदार। दोस्तों, दिन है आज का 17 अप्रैल 2023 सोमवार का दिन और आज की दलोदा मंडी से अवको की रिपोर्ट हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप अब मंडी के लिए निकलना चाहते हैं तो उसकी स्थिति आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप अनुमान लगा सकते हैं मंडी की अवको की स्थिति का कि किस प्रकार की आवक आज 17 अप्रैल 2023 के दिन मंडी के अंतर्गत देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये मेरी जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार अगर आप जानकारी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी किसान भाई जल्द से जल्द दलोदा मंडी की हर प्रकार की अपडेट की जानकारी आपको मोबाइल पर अपने घर बैठे मिल सके। दोस्तों, अगर आज की जानकारी अगर आवको की अगर आपको बताऊं तो मंडी के अंदर किसी भी प्रकार की जिंसों को प्रवेश नहीं मिल रहा है। हर प्रकार की जिंसों में मंडी के गेट लग चुके हैं। दोस्तों, जो की स्थिति में अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले बात करते हैं लहसुन की अवको की स्थिति की। तो लहसुन तो दोस्तों मैंने आपको कल भी अपडेट दी थी, दोपहर के 2 बजे के लगभग की अपडेट मैंने आपको कल अवकाश के दिन प्रदान की थी कि मंडी का गेट लग सकता है। तो उसी टाइम लगभग 5-10 मिनट आगे पीछे मंडी का गेट लग चुका है। तो दोस्तों, आज की वाहनों की जो स्थिति हमें देखने को मिली है मंडी के बाहर गेट पर, जो हमें देखने को मिला पीछे वाले गेट पर लहसुन के वाहनों की स्थिति आज हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों, लगभग 100 या 100 से ज्यादा वाहनों की कतार आज हमें लहसुन के वाहनों की देखने को मिली है। तो साथ ही सभी जिनसों की अगर बात करें तो दोस्तों, चना मसूर अलसी मेथी चना या फिर गेहूं या सोयाबीन किसी भी प्रकार की जिनसों के मंडी के अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है। दोस्तों, हर प्रकार की जिनसों में मंडी के गेट बंद हो चुके हैं और मंडी के गेट पर अगर प्रतीक्षा में अगर वाहनों की अगर बात करूं दोस्तों, तो आज की स्थिति में सुबह की रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, आप कब तक मंडी में आते हैं, दोपहर तक आते हैं, शाम तक आते हैं, तब तक की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जो दोपहर की अपडेट के अनुसार या सुबह की जानकारी जो अगर आपको पहुंचा रहा हूं, यानी कि आप अगर दोपहर तक मंडी में आएंगे तो उसकी जानकारी कुछ अलग होगी। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको सुबह की जो अपडेट प्रदान कर रहा हूं दोस्तों, इसकी स्थिति में सभी जिनसों की जो आवक जो बाहर प्रतीक्षा में वाहन हमें देखने को मिल रहे हैं, यह लगभग 70 से 80 वाहन प्रतीक्षा में अभी खड़े हैं। दोस्तों, सभी जिनसों के गेहूं सोयाबीन अलसी मेथी इन सभी में गेट बंद हो चुके हैं, उनके वाहन 60 से 80 वाहन हमें देखने को मिल रहे हैं। और लहसुन के जो वाहनों की कतार हमें देखने को मिली 100 या 100 से ज्यादा वाहनों की कतार लहसुन के अंदर आती है। तो दोस्तों, अब अपना निर्णय आप खुद लीजिएगा, मंडी की आवक किस प्रकार की देखने को मिली है, आप आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, ये जानकारी आप स्वयं की है, निर्णय आपका रहेगा। मैं आपको मंडी की आवकों की स्थिति बता रहा हूँ। बस अंत में जाते जाते अगर मेरी ये जानकारी अगर आपको कुछ फायदा होता हो तो वीडियो को लाइक करने में कंजूस ना कीजिएगा। दोस्तों, पहली बार अगर आप जानकारी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सभी किसान भाई दलोदा मंडी से सारी जानकारी देख पाएं।